हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमा ग्लाइडर। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच टर्म ऑफ एपी 121, 117 एंड 113 में इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस प्रोग्रेशन को अगर हम लोग डैश डैश करते लिखते जाएंगे तो कौन सी एन की वैल्यू होगी जिसके लिए नेगेटिव हो। तो नेगेटिव होगा तो हम लोग को नहीं पता कौन सा टर्म नेगेटिव होगा n, तो उसको कंसीडर कर लो n होगा, n पे होगा वो टर्म या पद। तो इस चीज को समझो पहले, नेगेटिव टर्म तभी होगा जब an की जो वैल्यू हो वो किससे हो, जीरो से लेस देन हो। और an का फार्मूला ये पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है लेस देन जीरो। a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 121 प्लस एन माइनस वन डी। डी फाइंड करोगे तो डी इक्वल टू होता है, एक टर्म लो उससे जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, तो 117 माइनस 121 सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर। तो यहाँ पे लिख दो माइनस फोर इज लेस देन जीरो। सिंप्लीफाई करोगे तो 121 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4n प्लस माइनस प्लस हो गया और यहाँ आ गया 4 इज लेस देन जीरो। 4n को उस साइड करेंगे तो यहाँ ग्रेटर है, ये उस साइड गया तो 4n इज ग्रेटर, और 121 और ये क्या है 4 है, दोनों ऐड हो जाएगा 125। इससे पहले लेस था, लेस हो गया, इधर गया, ये ग्रेटर हो गया। n की जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 125 डिवाइड बाई 4। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 3 जा जाएगा, फिर ये हो गया 5 1, फिर ये आएगा 2। अप्रॉक्स में जो n की वैल्यू होगा वो 31.2 होगा, लेकिन n जो है टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, तो ये कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, और n की वैल्यू से ग्रेटर है तो इससे ग्रेटर जो होल में होगा नंबर जस्ट होगा वो 32 होगा, और 32 टर्म होगा वही निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर जो किया था वो कंडीशन यही है, ए एन इज लेस देन जीरो। जब कोई नंबर जीरो से लेस होगा तो वो निगेटिव होगा। तो एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, यानी एंथ टर्म होगा, एंथ टर्म फॉर निगेटिव वैल्यू वो होगा 32 टर्म। ये हो गया हमारा आंसर, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें ये बताना है कि 4 से मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर हैं वो 10 और 250 के बीच में कितने हैं, एन की वैल्यू बताना है। तो पहले हम लोग वो सीक्वेंस तो लिख लें, वो प्रोग्रेशन तो लिख लें। उसके लिए हमको फर्स्ट इसका जो नियरेस्ट होगा 10 और 25 के बीच में वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो तो 10 नहीं होगा 4 से मल्टीप्लाइज, क्या होगा 12 होगा, तो 12 हो गया। फिर डैश करके कौन सा होगा ना, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा। ऐसे हम लोग डैश करके इससे करीब वाला कौन सा नंबर होगा 4 से मल्टीप्लाइज वो देखेंगे। तो वो जो नंबर हो सकता है ये है 250, तो उसके यानी 4 से मल्टीप्लाई होने वाला, डिवाइड होने वाला बात एक ही है, नंबर कौन सा होता है जिसके लास्ट में ऐसा नंबर हो जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 248 अगर देखा जाए तो ये लास्ट में 8 है और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट नंबर होगा 248, जो कि 10 और 250 के बीच में है, तो हमको लास्ट नंबर मिल गया। अब हमको ये नहीं पता कि ये किस नंबर पे आ रहा है, किस n की वैल्यू के लिए 248 है, तो हम इसको कंसिडर कर लिए कि n के लिए है ये। तो यहाँ पे जो an की वैल्यू है वो कितना है 248। अब हम लोग an का फार्मूला यूज कर लेंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248 होता है। a का वैल्यू यहाँ पे 12 है, प्लस n माइनस वन डी निकालोगे तो 16 माइनस 12 कर दो, कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल टू 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू
48, यहाँ माइनस 4 है और प्लस 8 12 है, तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4n प्लस 8 इक्वल टू 248, यहाँ से सबट्रैक्ट करोगे तो 240 और ये होगा 4n, n इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60, यानी कि जो 16th टर्म होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में 16 n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जो टर्म होंगे वो 16 होंगे जो 4 से मल्टीप्लाइज होंगे और इन दोनों के बीच में लाइज करेंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द ए पी माइनस 4/3 माइनस 1 माइनस 2/3 डैश डैश करके 4 सही 1/3 है, इस चीज़ को हमको फाइंड करना है। इसमें ये कि टू मिडिल मोस्ट टर्म का सम, सम मतलब होता है जोड़, टू मिडिल मोस्ट टर्म, तो ये जो सीक्वेंस है या ये प्रोग्रेशन है पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म हैं, यहाँ डैफ डैफ लगा है तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा कितने हैं, तो उसको पहले हम लोग एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू जो हुआ ऑड है या फिर इवन है ये हम लोग को टर्म फाइंड होगा। अगर इवन होगा जैसे फोर फिंगर है तो इवन होता है तो टू मिडिल होते हैं, अगर ऑड होता है तो वन होता है, तो पहले हमको एन की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये एन है ये लास्ट टर्म है तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 4 1/3, इसको लिख सकते हो 4 3 12 13/3। अब ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13/3 है, ए का वैल्यू है यहाँ पे माइनस 4/3 प्लस एन माइनस 1 डी, डी फाइंड करेंगे तो डी फाइंड करने के लिए ये टर्म लिए इसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर दिए तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पहले से है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस 4/3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 4/3 ये आ जाएगा 1/3, डी का वैल्यू है 1/3, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 13/3, यहाँ देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इट मीन्स अगर हम लोग 1/3 कॉमन ले लें तो ब्रेकेट में होगा माइनस 4 प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 13/3, तो यहाँ देखो 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर है, 3 गायब हो गया और ये माइनस 4 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस एन इक्वल टू 13, तो n इक्वल टू आ जाएगा 18, इसका मतलब ये है कि जो इस प्रोग्रेशन में है वो 18th टर्म है और 18th मतलब हो गया इवन है, इवन होगा तो उसमें टू मिडिल्स होंगे, उसको फाइंड करने का फार्मूला है n बाई टूथ टर्म और फिर कामा करके क्या होगा n/2 प्लस 1th टर्म, ये जो दोनों टर्म है ये दोनों क्या होंगे मिडिल में होंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 18 है, अगर n की वैल्यू 4 हो, 4 फिंगर है तो हमको पता है ये फिंगर और ये फिंगर मिडिल में है, वैसे 18th के लिए एक होगा n/2 दूसरा होगा n/2 प्लस 1, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि n/2 तो 18th by 2 करोगे तो कितना आएगा 9th टर्म और कौन सा होगा 9th और 1 ऐड कर दोगे तो 10th टर्म, 9th और 10th टर्म जो हैं इसके ये दोनों क्या हैं मिडिल में हैं और हमको यही सॉल्व करना है कि मोस्ट मिडिल टर्म का सम फाइंड करना है, तो यानी 9th टर्म प्लस 10th टर्म कर दें तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ टर्म जो होगा प्लस, सम के लिए प्लस का साइन लगा दिए और 9th टर्म है तो a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 एन की वैल्यू 9 है, 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि a प्लस 8d प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 9d,
ए प्लस एट डी ए प्लस नाइन डी, क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन करोगे तो नाइन डी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू ए प्लस एट और नाइन सेवनटीन मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। समझो टू ए ट्वाइस ऑफ ए है, ए की वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री है, तो ये हो जाएगा माइनस फोर से टू में मल्टीप्लाई, तो एट बाई थ्री प्लस सेवनटीन मल्टीप्लाई डी, डी का वैल्यू आया है वन बाई थ्री, तो यहाँ जो वन बाई थ्री कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एट प्लस सेवनटीन, सबट्रैक्ट करोगे तो जो ये आंसर होगा वो होगा वन बाई थ्री मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट करेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस में आएगा नाइन और जो इसका आंसर होगा वो थ्री होगा, यानी कि नाइन्थ और टेंथ टर्म का जो सम होगा वो थ्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो 2018 में, ये क्वेश्चन जो है 2018 में एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। इफ के माइनस थ्री कामा टू के प्लस वन एंड फोर के प्लस थ्री आर द थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, ये जो टर्म है ये एपी के हैं, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये जो टर्म है ये एपी में है, जब कोई टर्म एपी में होता है तो जो डी की वैल्यू होती है, इफ टर्म को लो उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म में से सबट्रैक्ट कर दो तो वो डी की वैल्यू होती है, तो पहले हम लोग इस टर्म को लिख लेंगे एक्स माइनस थ्री कामा टू के प्लस वन कामा फोर के प्लस थ्री, ये जो तीन टर्म है ये एपी में है, उस कंडीशन के लिए जो यहां से इस टर्म को इस टर्म में से सबट्रैक्ट करने पर जो d का वैल्यू होगा वो इस टर्म में से इस टर्म को सबट्रैक्ट करने पे d के वैल्यू के इक्वल होगा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टू के प्लस वन माइनस, इसको ब्रेकेट लगा के लिखेंगे k माइनस थ्री इक्वल टू किसके होगा, फोर के प्लस थ्री माइनस टू के प्लस वन, टू के प्लस वन, इस चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, बस समझना यही है कि कोई भी टर्म लो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को सेपरेट कर दो वो डी होता है, तो यहां से हमने एक डी फाइंड कर लिया और फिर इस टर्म को लेके हमने एक डी फाइंड कर लिया, अब अगर एपी में है तो इक्वल दिखे या ना दिखे, इक्वल हो या ना हो, इक्वल हम लोग कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एपी, तो यहां से हमने इसको इक्वल कर दिया, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, तो टू के प्लस वन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के प्लस थ्री इक्वल टू आ जाएगा फोर के प्लस थ्री माइनस टू के प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो टू के है और ये माइनस के है तो ये आ जाएगा के प्लस वन और प्लस थ्री इक्वल टू प्लस फोर, इक्वल का साइन लगा दिए, फोर के में से टू के सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा टू के और थ्री माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा प्लस टू, अब देखो यहाँ पे टू के है यहाँ पे के है, इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफर कर दिए तो ये आ जाएगा के इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो फोर में से टू जाएगा टू, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ गया और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज माइनस थ्री, यानी कि d का जो वैल्यू है वो माइनस थ्री है एंड द 18th टर्म इज माइनस फाइव, तो 18th है तो a 18th इक्वल टू क्या गिवन है, n 18th है तो a 18th इक्वल टू है माइनस फाइव, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a 18th है तो a 18th का फार्मूला यूज करो टर्म का, तो a प्लस एन माइनस वन, तो n की वैल्यू 18th है तो हो जाएगा 18th माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस फाइव, हमको d का वैल्यू पता है माइनस थ्री, a का वैल्यू फाइंड करना, a प्लस 17th माइनस थ्री है d का, तो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव, ए प्लस
यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 51 इक्वल टू माइनस 5, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 है और इधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 51 माइनस 5 इक्वल टू 51 माइनस 5 इक्वल टू ये आ जाएगा 46। ए का जो वैल्यू है वो 46 है और हमको यहाँ पे ए का वैल्यू मिल चुका। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, थ्री डिजिट के जो नंबर है उसमें से 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर को फाइंड करना है कि वो कितने हैं। एन की वैल्यू फाइंड करना, वो कितने हैं, नंबर उसका कितना है, ये हमको फाइंड करना है। तो जो थ्री डिजिट का नंबर होता है वो 100 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो होता है वो 1000 के पहले जो आएगा, 1000 के पहले यानी कि 999, ये हमारा जो है थ्री डिजिट का नंबर है। अब इसमें हम लोग सीक्वेंस फाइंड करेंगे जो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से पहले जो फर्स्ट थ्री डिजिट का नंबर डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 101 चेक करें, 102 चेक करेंगे, 103 चेक करेंगे, तो ये सब डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं है। जो डिविजिबल होगा वो 105 होगा। चेक करो, 7 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 आ गया और फिर 5 बार गया। तो ये 105 जो है फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे हम लोग कामा लगाएंगे, 107 से ये डिविजिबल है, फिर चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 100 जो है 12, इसको हम लोग 7 से डिविजिबल करें। तो 7 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और कितना कैरी आएगा, तो ये आ जाएगा 4 और ये भी क्या है, डिविजिबल है। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि थ्री डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो हमको ये 2 पता चल गया, फिर हम लोग लास्ट वाला फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट से चेक करेंगे ये डिविजिबल नहीं है, फिर एक कम करके चेक करेंगे वो भी नहीं है, तो हमको पता चलेगा कि जो 994 है ये 7 से डिविजिबल है। चेक कर लो, 7 से करोगे 2 आएगा, फिर करेंगे फिर हो जाएगा, यानी कि 7 डिविजिबल बाई 994 है, 1 बार जाएगा 2 हुआ, 7 से करोगे कितना जाएगा, 7 यहाँ पे 29 हो गया, 7 फोर जा 28 यहाँ पे हम लोग 28 लिखेंगे, ये सबट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया और यहाँ पे 2 बार गया, यानी कि जो 994 है वो 7 से डिविजिबल है। तो ये लास्ट नंबर है, इससे पहले जो है इसके बाद में कोई नंबर नहीं डिविजिबल होगा, तो ये लास्ट है, यानी कि ये an है, ये इसका लास्ट है। तो an का जो वैल्यू है वो है 994 और यहाँ पे a जो है वो 105 है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an का फार्मूला होता है और ये हो गया 994। यहाँ पे a की जो वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 और D क्या होगा, जस्ट प्रीवियस नंबर को सबट्रैक्ट कर दो, तो 112 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो जो D होगा वो होगा 7। तो D के प्लेस पे लिख दिए 7 इक्वल टू 994। इसको हम लोग इधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू सबट्रैक्ट कर दो, तो ये सबट्रैक्ट करोगे 14 में से 5 गया, ये आ जाएगा 9 और ये 8, ये हो गया तुम्हारा 889 जो हुआ ये आ गया। अब हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड कर ले तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा 1, 7 2 जा 14, 4 आ गया और ये आ जाएगा 7 जा, तो ये हो जाएगा 127। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। जो n की वैल्यू है 128 है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर 999 के बीच में
128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।